नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, आपको दो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपेयर करना सिखाएंगे। राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। हम दो सेम और अलग अलग स्ट्रिंग यहाँ पर देंगे और ये मशीन उसको चेक करेगी कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। तो मैंने दोस्तों ये प्रोग्राम आप यहाँ पर वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्रोग्राम को मैंने उठा लिया है, कोड ब्लॉक में हम आ गए हैं और मैं आपको जो है यहाँ से प्रोग्राम समझाना शुरू करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर दो लाइब्रेरी फाइल्स ले ली हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक स्ट्रिंग डॉट एच है। मेन फंक्शन बना लिया है, दो कैरेक्टर टाइप के स्ट्रिंग ले लिए हैं, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू। दोनों का साइज 100-100 दे दिया है, वैसे ये बहुत ज़्यादा है। टेस्ट करने के लिए आप जो है 10-20 जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। पहला हम स्ट्रिंग एंटर कराएंगे और गेट्स की मदद से स्ट्रिंग वन के अंदर उसको सेव कर लेंगे। दूसरा स्ट्रिंग एंटर कराएंगे और गेट्स की मदद से स्ट्रिंग टू में उसको एंटर कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो फार्मूला है, मैं आपको जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए strcmp आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग जो लाइब्रेरी है यहाँ से आपको प्रोवाइड करता है। str का मतलब हो गया स्ट्रिंग, cmp का मतलब हो गया है कंपेयर। इफ लगाया है, स्ट्रिंग वन में हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से, स्ट्रिंग टू में हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से। अगर ये दोनों बराबर हैं, और बराबर का सिंबल जांचने के लिए सी लैंग्वेज में पता करने के लिए हमें दो बार डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ता है 0। अगर ऐसा होता है तो एंटर स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और ऐसा नहीं होता है तो एल्स में प्रिंट कर दिया है कि जो एंटर स्ट्रिंग की गई हैं वो इक्वल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको जो है ये रन करा कर दिखाता हूँ, और जैसे ही हम रन करेंगे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख कर बताऊँगा आपको। ये मैंने पहला नाम लिख दिया है, अब मैं यहाँ पर मेरा सरनेम लिखने जा रहा हूँ। जैसे एंटर करूँगा देखिए लिखकर आ गया है एंटर्ड स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। जो मैंने स्ट्रिंग एंटर की हैं इसका कहना है कि इक्वल नहीं है। हम अगली बार फिर रन करते हैं, रन करने के बाद हम आपको सेम नाम लिखकर दिखाते हैं। ये देखिए मैंने पहली और दूसरी स्ट्रिंग में सेम लिख दिया है, तो इसका कहना है कि जो स्ट्रिंग एंटर की गई है वो इक्वल है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि क्या ये लेंथ तो नहीं नाप रहा है, तो मैं आपको 5 जो है कैरेक्टर से जुड़ने वाला एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए मैंने नाम लिखा विवेक, और अब मैं 5 बार जो है वी ऑल लिख देता हूँ। ये मेरी सेकंड स्ट्रिंग हो गई है, 1 2 3 4 5। अब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ भी लिखा आना चाहिए कि ये स्ट्रिंग जो है मैच नहीं कर रही है, इक्वल नहीं है। ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया है एंटर्ड स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये 1 by 1 उस वर्ड को चेक करता है, कैरेक्टर को चेक करता है, और अगर सही होगा तभी ये आपको इक्वल दिखाएगा, इसके अलावा जो है ये आपको इक्वल नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों ये स्ट्रिंग का एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, और ये कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना होगा कि ये प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है। इसकी धीरे धीरे लॉजिक आपको समझ में आएगा जब स्ट्रिंग्स के आप पॉइंटर के साथ बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, वहाँ पर किस तरीके से स्ट्रिंग्स के साथ आप खेल सकते हैं और अच्छे अच्छे लॉजिकल प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये स्ट्रिंग के बेसिक प्रोग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।